यूक्रेनी सेना का हैरान करने वाला वीडियो आया सामने, ब्रेक करें। 100 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों का सरेंडर, ब्रेक इट। बहुत बड़ा खबर है, विजुअल भी बड़े खतरनाक है। ये देखिए आप, रूस के सामने एक साथ यूक्रेनी फौज का सरेंडर, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए बाप, कई सैनिकों ने सरेंडर किया है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, ये यूक्रेन के 100 सैनिकों ने रशिया के सामने सरेंडर किया है और ये रियल टाइम विजुअल्स है, क्योंकि देखिए वहां पे बर्फ पिघल चुकी है, थोड़ी थोड़ी दलदल दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये अभी के। सीधे आइए सबके बीच में, एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रशिया का जो फाइनल अटैक है यूक्रेन के कुपियांस में, रूस को बहुत बड़ी कामयाबी। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स, 50-50 में राहुल अगर संभव हो तो। यूक्रेन के दो कुख्यात ग्रुप्स को तबाह करने का दावा, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में 15 यूक्रेनी सैनिकों की मौत, रूस ने कहा है। सीधे गोप्रो पर आइए राहुल, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। प्लेट ऑन और पीछे ब्रांडिंग वॉल, यही रखिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, रूस का जो फाइनल अटैक है उसमें बड़ी खबर, टिकर को ऑफ करिए। रूस का डेडली ऑपरेशन स्टैम्प टारगेट कुपियांक, ये देखिए। अब आपको जो इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है ये देखिए, वेरी वेल डन पीसीआर, लेकिन एक बार प्लीज पूरा गोप्रो दिखा दीजिए। रूसी फोर्सेस ने पूरी तैयारी के साथ कुपियांक में ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ये देखिए, मिलिट्री ऑपरेशन में यूक्रेन के दो कुख्यात सैन्य ग्रुप तबाह हो गए हैं, बड़ी खबर है। सायरन ऑन रखिएगा अगर हो पाए तो। ऑपरेशन में कम से कम 15 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा। ऑपरेशन में ड्रोन MSTAS सेल्फ प्रोपेल्ड हॉटजियर का इस्तेमाल हुआ है। इलाके में यूक्रेन के सैन्य रोटेशन को भी रोक दिया गया है, रूस का यह दावा है। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स के साथ सीधे जनरल यशमोर के पास। सर, इस युद्ध में बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, रशिया का एक्शन जमीन पर दिखता है, यूक्रेन का एक्शन ट्विटर पर दिखता है, लेकिन जो विजुअल्स अभी आ रहे हो बता रहे कि रशिया इज गिविंग देम अ रियल टफ टाइम। देखो मुझे ना बहुत, मैं इस लड़ाई को जब से शुरू हुई थी तब से देख रहा हूँ, बहुत बार आपके चैनल पे और लिखा भी है मैंने इसके बारे में। जितनी पुअर लीडरशिप रशियन आर्मी ने दिखाई इस पूरी लड़ाई के अंदर, मतलब मुझे हैरानी होती है। मैं, मेरे को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बातें याद आती है। कल ही मैं पिक्चर देख रहा था ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, कि पुअर लीडरशिप, पुअर जनरलशिप, पुअर लॉजिस्टिक्स, पुअर कमांड एंड कंट्रोल। कीव तक गए, वापस आ गए, अब यू आर ओनली फाइटिंग इन दिस स्मॉल एरिया। वहां पर भी आप क्लेम करता है रशिया के रशियन स्पीकिंग लोग हैं, वहां इंसर्जेंसी भी, वहां पर भी आपका कमांड एंड लेट मी प्ले अ डेविल्स एडवोकेट। आज तक आपके पास एक मिनट, थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट प्ले करूंगा सर। आई एम नॉट अ प्रो रशिया और प्रो यूक्रेन, आई एम एंटी वॉर, बट आई वांट टू प्ले अ डेविल्स एडवोकेट। जिसने एक साल तक पूरे नेटो अलायंस से अकेले दम पर प्रॉक्सी वॉर लड़ाओ। देर इज नॉट अ सिंगल कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड, देर इज नो सुपर पावर। अमेरिका सर खाली अफगानिस्तान का वॉर पूरी तरीके से एग्जॉस्ट कर चुका था, ये पूरे नेटो अलायंस के साथ एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। बट सिपाही ग्राउंड पे यूक्रेन के लड़ रहे हैं, आप उनके साहस को, आई डोंट बिलीव दैट, उनकी लीडरशिप को, नहीं नहीं सर, आई डोंट बिलीव दैट, क्योंकि अब यूक्रेन के सिपाही दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिस तरीके से फाइट कर रहे हैं ये कमाल, ठीक है, आई विल गिव देम द क्रेडिट फॉर व्हाटएवर दे आर डूइंग, बट अब सिपाही भी यूक्रेन के नहीं है सर, वी ऑल नो दैट। देयर आर ओनली मर्सनरीज, ओनली लिटिल बिट पॉकेट्स में उनके सिपाही हैं।